वेलकम बैक नाज़िम का टेलीविजन लाइन ते ज्वाइन किया मीर एजाज खान जखरानी सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वफाकी वजीर रही चुका है हाँ उन्होंने वट आईपीसी एडवाइजर टू सीएम जो सीएम वट पोर्टफोलियो भी आया आईपीसी जेलन वो डिविजनल प्रेसिडेंट आ लाड़काने जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सर तक वेलकम चाहूँ प्रोग्राम में सर वो कामयाब एहतजाज भी तहां जी रहनुमाई में तहां उनके लीड किया सिंध सा जकी ज्यादती थे पानी जे हवाले सा मीर साहब छा चंदो जी मीर साहब मेहरबानी मा यो अर्ज किया तो सिंध जो मसलो आ हां जेने मुने वफाक पाकिस्तान वफाक सिंध जे पानी दे जको धाड़ो तो अणे ये सिंध सा दुश्मनी आ सही सिंध वो सुबो आ जके सब का रेवेन्यू कलेक्ट कर मुल्क के उन सूबे के इन नमूने पानी न दियण माना एग्रीकल्चर के खत्म कर पानी न दियण जो बैकबोन कें भी मुल्क जो बैकबोन अगर हों तो एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन हों उन्हीं के अगर तुम पानी न दींद अस ये भी ना चूं तो एक्स्ट्रा पानी दिया अस चूं था तो असके जो अकार्ड थो 91 जो तो वो अकार्ड उन वक्त पीपल्स पार्टी के मंजूर भी ना खड़ी तो उन्हीं में भी उनके ऑब्जेक्शन था पर उनके बावजूद न चाहते भी अस मंजूर कई उनके मनू था उन्हीं अकार्ड के तहत असो हक आ पानी जो वो तो हक असो वे उनके बावजूद जै नमूने जहा किनाल टीपी किनाल बया किनाल जै नमूने खोलिया वह असा के पूरा पानी नो मिले वो पैं लिंक किनाल के भरन था तो यहाँ सिंध से ढी ज्यादती है जैसे कर असो एहतजाजी रैली हो पानी के मुताबिक बो तो अर्ज क्या कि 16-16 कलाक 14-14 कलाक 12-12 कलाक की लोड शेडिंग आ सिंध में और इन वक्त अस टेम्परेचर पैं डिवीजन के हवा से चौदम तो 50, 51, 49, 48 इन वक्त यहाँ सेंटीग्रेड बीठी है इन वक्त एतरी वही लोड शेडिंग महंगाई बेरोजगारी तुम्हारे सामूँ आ जै नमूने की महंगाई थी वही है जै नमूने की बेरोजगारी थी यो यो नयो पाकिस्तान असन पो ख्वाब दिखारे वो तो ये सब रीजन्स जैसे करतजाज जो कॉल दिनों से मुजाहरे जो कॉल दिनों से शुक्रिया अदा तो क्या तो नंढे वक्त की सद से बी अगे अस सद दिनों से अज हजारा मू पान मुराद आया उन जुलूस में शिरकत कई धरने में शरीक थी यो सबूत दिनन तो अस सब इन मसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गडूँ सब सिंध वा गडूँ इन मसले से मीर साहब पीपल्स पार्टी के बार बार मैंडेट सिंध के अवाम दिनो है और तहां मरकजी कयादत आयो यो एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो पूरी सिंध ताई पो वफाक ताई सर जी बिल्कुल यो ही प्रोग्राम है अस मरले वार दायरो कयूं था हाँ पहले फेज में अज लाड़काना डिवीजन हो वो असाजा मुख्तलिफ शेड्यूल अनाउंस थियल जैमें हि हर डिवीजनल हर डिवीजन में थो सखर डिवीजन आ बेनजीराबाद आ मीरपुर खास आ हैदराबाद आ फाइनल इनके अची कराची में कहें अस इन वही लायमल दिसा थे पानी की सूरत हल भी कि बेहतर थे तो नो थे इनके अगर जरूरत पी तो इस्लामाबाद भी वही सकूँ था सर जदे भी ये गवर्नमेंट आई है टिन सालन जो अरसो मीर साहब गुजरी चुको आ मानू डाडा तंग हैं बेरोजगारी महंगाई पंजे उरूज से आए टिन सालन जो अरसो गुजरी चुको आए मुल्क सा जेको वेधन आ सिंध सा जेकी ज्यादती आ तहां जे सामू आ बिल्कुल यो यो वरी तुम बुधायो ना वजीर आजम साहब के जदे भी दिसो गाल कंदो आ ग्रोथ इतनी हो गई है अपोजिशन को छोडूंगा नहीं भाई केत तने तू अपोजिशन वारन के बद दे चोर रन ये न तू कुछ करे तो दिखार हाँ अवाम यह गाल बुधी बुधी थकजी पी आ हाँ यो जी गाल तू अगे कदे शुरू में मानू उनके बेवकूफ करण के लिए हाँ मानू तंग अची चुका मानू उनके खाण के लिए ना तू चंदे मानू उनके बदतुम तो उनके खपे आखिरी साल भी अना अथन अढ़ाई साल जो टाइम अथन सवा साल जो तो इन बजट में को रिलीफ दियन गरीबन के लिए हि बजट अचण वो आस डिमांड था करूँ क्यों तो इनमें उनके रिलीफ दियन ए पाकिस्तान की तारीख में इम्तियाज मीर साहब कदें 60 साल तारीख में एतो पानी जो शॉर्टेज नो हाँ थो यो वरी चौंदस तो ही मौको आ ही बजट अचण वो आ इन में गरीब आवाम के रिलीफ दें
तो डिठो हों जितना स्कैंडल इन गवर्नमेंट में ठाया कदें भी नया सही वो गैस जो स्कैंडल हुए अट्टे जो स्कैंडल हुए खंड जो स्कैंडल हुए सिर्फ स्कैंडल ही स्कैंडल इन हुकूमत में स्कैंडल का अलावा कुछ न थो जैसे स्कैंडल ठही वा कें न कें माओं के खसूसी के कें वजीर के हटा वो शो गोज ऑन यो हल पो सिलसिलो सर ही हुकूमत सिर्फ इंतकाम थी वटे अपोजिशन के टारगेट करे थी वजीर आजम टिन सालन ताई सिर्फ इयो ही कम कियो आ बिल्कुल मा यही चवांदो त मानु हाने तंग थी चुका है सिर्फ इनन के बियो कुछ नजर तो न तो जे तो दिसो न महंगाई जदे 2018 में जदे नून लीग छडे वई या 2013 में जदे असा छडे वया थे तो उन वक्त जो कंपैरिजन कियो हाने जो कंपैरिजन कियो दिसो सरकारी मानुन जे पगारन में एतरो इजाफो न थियो पर महंगाई में तमाम घणो इजाफो थियो अने तवा के इनकम घट मिलदी पैसा पगारू घट मिलदा ए उन्हीं जी सखत न हुंदी ता खरीद करे सको शयन के तो बहुत मजबूरी थींदी इंसान तकलीफ में इंदो परेशान हुंदो वो हालत आ इन वक्त मुल्क में हर कोई परेशान आ वो केड़े सेक्टर जो भी मानु हो बिजनेस सेक्टर जो होजे वो मजदूर तबको होजे वो किसान होजे वो हारी होजे वो जमींदार होजे हर कोई परेशान आ पर गवर्नमेंट के जने भी दिसो वो सागी गाल तो करे कि तरक्की की तरफ जा रहा है घबराना नहीं चीजें अच्छी अच्छाई की तरफ जा रही है अच्छाई नजर किथां भी नथी अचे सर या तब्दीली या तबाही या चीनी जो स्कैंडल तहां जे सामो दवाई जो स्कैंडल तहां जे सामो पेट्रोल जो स्कैंडल तहां जे सामो रावलपिंडी रिंग रोड जो स्कैंडल तहां जे सामो हे पंजन मानुन ते तो को हथ ही कोन था विजन ना बिल्कुल ना है उनन जे लाए कुछ भी न थिंदो आ हाने रिंग रोड जो स्कैंडल ताजो ताजो थयो हाने वो जें स्कैंडल जो वो तो छडे दुबई हले तो जिते भी स्कैंडल थे चवन पा एक्शन क्या तो अच्छा बुधा नके मू इवॉल उन्हीं तो अ सही नमूने रिपोर्ट भी पेश ना कन तो एक्शन तो पैं ग कुछ भी न थो हाँ चीनी स्कैंडल में केतरा केतरा मू इवॉल चीनी स्कैंडल में खंड के स्कैंडल में इन्वॉल उन्होंने कुछ भी ना कराची में कुछ पंज सत दीवान पकड़ो जे उन्हीं स्कैंडल में इन्वॉल आई जी असल मू इवॉल आ जे प्राइसिस के राइज करे ब्लैकमेलिंग कर ब्लैकमेलिंग करे पैसा कमायो उन्हें के हथ कह नो पर ये रोज रोज चवन था तो असा इमरान खान एहतसाब के पान दिसे तो खाक दिसे तो एहतसाब के ये तो सिर्फ एहतसाब अपोजिशन के लिए ये एहतसाब तो साईं खुर्शीद शाह के लिए है ये एहतसाब तो एजाज जखाणी के लिए है ये एहतसाब तो असाजे लीडर के लिए है आसिफ अली जरदारी के लिए है अदी फरियाल साहब के लिए असाजे लिए बाकी उनके पैंजा मानू नजर मीर साहब मां कुछ डी अग में एकड़ो प्रोग्राम कियो अगूणे DGFIA बशीर मेमन साहब सा उन भी इयो चयो त मुते प्रेशर हो तो एजाज जखरानी ते भी केस कियो जी बिल्कुल बिल्कुल बशीर मेमन साहब ते मुखा अलावा प्या भी प्रेशर आ उन सा गडो गड खबर ना यो प्रोग्राम तवा वट उनी कियो मुखे बे दोस्त भी बुझा बे के प्रोग्राम में भी उनी यो नालो कयो त उनके प्रेशर हो मुजे लाए हां हाँ बिल्कुल मूसा एतराफ के टॉक शो में मूसा एतराफ के मोट अज भी टॉक शो वो आए तो बशीर मेमन साहब चो तो मुते खुर्शीद शाह जे लाए बेन जा नाला के उते तहां जो भी नालो के तो एजाज खान जे लाए भी मुते प्रेशर हो तो उन ते केस कियो बने दिसो तहां जे सामो आने तो हम बुधा कितनी वडी गाल है जो DGFIA इट रिस्पांसिबल पोस्ट पे रहयो वो यो अच्छी गाल करे तो उनन उनके शाबाश आ यानी पोस्ट वेही करे भी उनन जी गाल के न मने अज वो जैसे यह गाल कर तो माना यह तमाम वही गाल है ना तो रिस्पॉन्सिबल मानू अड़ी गाल करे वड़ी मेहरबानी सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान IPC जेलन वो खातों उन्होंने वटा वजारत जो एडवाइजर टू CM आन डिविजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामू सा गड हुआ MNA रही चुका मिनिस्टर्स वफाकी रही चुका सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान की वही मेहरबानी तुम टाइम दिनों ना ब्रेक जो टाइम थे ब्रेक का